टर्मरिक इज एन ओल्ड इंडियन स्पाइस विद अ पावरफुल मेडिसिनल कंपाउंड करक्यूमिन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही गुणकारी पौधे हल्दी के बारे में बात करेंगे। इसको घर में ग्रो करना बहुत ही इजी है। इसे ग्रो करने का जो टाइम है वो है अप्रैल मई और जून। मैंने इसे अप्रैल में ग्रो किया था। देखिए अगस्त में इसके लीव्स कितने हेल्दी हो गए हैं और प्लांट भी कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। हल्दी को राइजोम्स से ग्रो किया जाता है। इसकी मिट्टी रिच ऑर्गेनिक और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। राइजोम्स से ग्रो होने में हल्दी को लीव्स बनने में 1 मंथ भी लग सकता है। वैसे तो 12 इंच के पॉट में ग्रो करना इसे चाहिए। मैंने इसे वर्टिकल प्लांटर के प्लांटर में लगाया है। हल्दी 7 या 8 महीने में तैयार हो जाती है। जब इसके पत्ते येलो होने शुरू हो जाएं, तब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हल्दी को हार्वेस्ट करके यूज़ करने से पहले इसे बॉईल करके धूप में सुखा लें, फिर पीस कर यूज़ करें, क्योंकि इसके राइजोम्स थोड़े टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसे बॉईल करके सुखा कर पिसवाएं। हल्दी को किचन में तो यूज़ करते ही हैं, इसके हमें और भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर बेनिफिट्स ऑफ हल्दी की बात करें, अगर किसी को कफ, कोल्ड या एलर्जी हो तो कच्ची हल्दी को भून कर ले सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी को कट लग जाए या चोट लग जाए तो कुछ समझ ना आए तो हल्दी का पाउडर कॉटन में लगाकर चोट में लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। हमारी दादी नानी कहती थी ना, किसी को कफ कोल्ड हो या किसी को चोट लग जाए तो उसको दूध में हल्दी मिलाकर दे दो तो आराम मिलेगा। यस, इट्स ट्रू, हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से हमारी गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसको रात को रोज़ सोने से पहले पिएं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होती है और हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। पुराने ज़माने में हल्दी को बेस्ट मेडिसिन माना जाता था। गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध पीने से बालों का गिरना भी रुकता है और डैंड्रफ भी नहीं होती और बाल भी लंबे होते हैं। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे लीवर के लिए हल्दी एक टॉनिक का काम करती है। तो देखा आपने, हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क हमारे लिए कितना लाभकारी है। इसे खुद भी पिएं और बच्चों को भी दें। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो तो सुबह 1 चम्मच हल्दी पानी के साथ ले तो स्किन इन्फेक्शन में भी आराम मिलेगा, क्योंकि हल्दी डिटॉक्सिफाई करती है, शरीर से सारे टॉक्सिन्स दूर करती है। एक और बात, अगर किसी को दंत रोगों में भी प्रॉब्लम हो जाए तो हल्दी बहुत लाभ देती है। थोड़ी हल्दी और थोड़ा सेंधा नमक 2-3 बूंद सरसों के तेल के साथ अगर मंजन की तरह उंगली की सहायता से करें तो दांतों की मजबूती बढ़ती है और साथ साथ कोई भी इन्फेक्शन हो तो ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, हल्दी बहुत गुणकारी होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। इट्स रियली अ मैजिकल प्लांट इफ़ यू ग्रो एट होम। इसे घर के किसी भी कोने में, पॉट में या ग्राउंड में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, टेरेस पे मेरे ग्रो बैग में ये हल्दी के एक छोटे से राइजोम्स बच गए थे। मैंने इसे ग्रो किया था, ये यहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। इस ग्रो बैग में मेरे मल्टीपल प्लांट्स लगे हैं। ये जीनिया का प्लांट देखिए, और इसमें मैंने ये चिली के प्लांट भी लगा रखे हैं, ये रेड चिली। ये रेड हो गई है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम से उतारा नहीं, और मेरे घर में चिली के प्लांट और भी काफ़ी जगह पे लगे हुए हैं। इसमें ये मैंने अफ्रीकन मैरीगोल्ड की सीड्स भी डाले थे, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और ये जीनिया के प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसे मैंने फ्रेंड्स
इसमें छोटे से प्लांटर में भी ग्रो किया है। जो मेरे पास राइजोम्स बच गए थे वो मैंने इसको 6 इंच के प्लांटर में ग्रो करके देखा है, इसमें भी अच्छे से ग्रो हो रही है। फ्रेंड्स, हल्दी वाला पानी पीने से बहुत लाभ होता है और इससे इन्फेक्शन भी दूर होती है, ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। हल्दी के पानी में थोड़ा सा नींबू मिलाकर अगर रोज़ सुबह खाली पेट पिए तो हमारा वेट भी लॉस होता है। यू मस्ट ट्राई दिस। टर्मरिक का प्रयोग ब्यूटी के साथ भी है, इसका हम उबटन भी लगाते हैं और लेप भी लगाते हैं, इससे हमारे फेस पे एक अच्छी शाइन आती है। ओवरऑल टर्मरिक इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल प्लांट फॉर अस। हल्दी को प्योर फॉर्म में ही लें, जो कि हमारी घर की प्योर ऑर्गेनिक वे से उगाई हल्दी, तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ज़रूर ग्रो करें। इसे रेगुलर फर्टिलाइजर जो बाकी प्लांट्स में देते हैं इसमें वो ही डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर।